जब फर्स्ट टाइम किया था तो बीमारी भी आ गई थी कुछ हमारी कमी की वजह से मर गए थे क्योंकि पता नहीं था इतना क्या देना है क्या करना है अब तो प्रॉपर पता है कि क्या है क्या है एक बकरी साल में एक बार ही बच्चे लेते हैं अपन देने को तो दो बार भी ले सकते हैं छह महीने पे बकरी भी आती है जी पर वो बच्चे ग्रोथ नहीं करते कुछ ना कुछ फिर वो वीक रह जाते हैं अप्रैल मई तक रेट फिक्स कर देंगे भाई इस रेट में बेचना है अपने को उस रेट में ही हम बेचते हैं जैसे क्या होता है कि मंडियों में भाव ऊपर नीचे होते हैं ना वो सीन सिस्टम यह नहीं है हम जो एक बार फिक्स कर दिया मंडी ऊपर जाए चाहे नीचे आए उसी रेट में हम बेचते हैं बकरी बेहेगी दो बच्चे भी लाई एक साल में तो पाँच हजार का मिनिमम मान के चलो आप बिकेगा तो दस हजार के बच्चे बिकेंगे उसके वो तो सेल हो जाते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे लेने वाले लोग तो बहुत आते हैं इंडियन फार्म एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी आगे आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे सर नमस्कार नमस्कार जी अमित जी कैसे हैं जी बढ़िया सर अपना परिचय दीजिए फार्म की लोकेशन बताइए जी मेरा नाम अमित सिंह गुजर है जयपुर से करीब तेईस किलोमीटर दूर फार्म हाउस है और ये प्रेम नगर बूढ़थल गाँव में है जी फार्म हाउस का नाम भी गांव पे ही रखा हुआ है जी तो बकरी पालन का विचार कैसा है आपको जी, बकरी पालन का विचार 2012 से यहाँ सरदार जी फार्म हाउस कर रखे हैं बकरियों का उन्होंने ही एडवाइज़ किया और स्टार्टिंग की 2017 में हमने जो बकरों से की गुजरी सिरोई ब्रीड बकरों से की करीब नब्बे बकरों से स्टार्टिंग की हमने शुरुआत में खर्चा कितना आया था आपको जी खर्चा करीब टेंट सेट वगैरह इनका मिला के छः लाख रुपए का तो इनका खर्चा था और उनको परचेजिंग का वो अलग था तो आज टोटल कितने एनिमल आपके फार्म पे जी अभी वन एट्टी है तो गांव में रहकर आप बकरी पालन कर रहे हैं जी कभी विचार नहीं आया मन में कि भाई मैं शहर जाऊँ वहाँ पर जॉब करूँ नहीं ऐसा तो कभी आया ही नहीं जॉब का कभी स्टार्टिंग से था ही नहीं क्योंकि शुरू से ही गाइडेंस ऐसी मिली है सरदार जी की कि जॉब में जाने का फिर मन नहीं करा मन ही नहीं किया कभी फीड में आप क्या क्या खिला रहे हैं खुले में रखते हैं या स्टॉल फीडिंग आप कराते हैं नहीं खुले में नहीं रखते प्रॉपर बाड़ों में ही रखते हैं बाड़े बना रखे हैं बाहर नहीं निकालते इनको एक बार परचेज करते हैं उसके बाद अंदर डाल देते हैं या तो डेथ होती है तब बाहर निकलता है या बिकता है तब बाहर निकलता है फीड में इनको फीड में इनको देते हैं मक्का देते हैं बाजरा देते हैं जो देते हैं सोयाबीन की चापड़ आती है वो देते हैं और हरे में रंजिका खिलाते हैं जई खिलाते हैं और सूखे चारे में जैसे लोम हो गई खेजड़े की और गंवार का चारा हो गया ये खिलाते फीड सा जो अलग है थोड़ा आपका अलग तो कुछ नहीं है जो अपने यहाँ होता है वही देते हैं अलग तो जैसे मार्केट से खरीद के लाते हैं वही है अलग तो मुनाफा कितना ले रहे हैं सर आप मुनाफा तो करीब 25 से 30 परसेंट प्रोफिट मिल जाता है माल कहाँ सेल कर रहे हैं आज माल तो जयपुर के लोग ही लेके जाते हैं जो टच में फार्म से लेके जाते हैं जी जी यहाँ से हम कोई समस्या कहीं नहीं देने नहीं, नहीं जाते यहीं से अपना सेल होता है दिल्ली के भी लोग आते हैं सर इस तरह का काम अगर कोई शुरुआत करना चाहता है हमारा सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की माल कहाँ सेल करें तो क्या कहना चाहते हो इस बारे में आपको मार्केटिंग का इशू सबसे बड़ा रहता ही है मार्केटिंग में तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो मार्केटिंग पहले से वो सेट भी नहीं कर सकता क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें आप पहले से नहीं कर सकते क्योंकि तो मार्केट एक साल डाउन एक साल ऊपर नीचे ऐसा चलता है तो वो चीज़ तो सेटल होना बहुत मुश्किल है ये तो थोड़ा रिक्स मामला है बिजनेस कोई भी रिक्स तो रहता है सर काम काफ़ी अच्छा ये है जी तो फार्म क्यों बंद हो जाते हैं फिर ये फार्म तो प्रॉपर ध्यान नहीं देते फिर आदमियों के भरोसे काम करते हैं तो फार्म बंद ही होंगे खुद को काम करना पड़ता है आदमी एक दिन आ गया दो दिन आ गया चारा डाला तो डाला नहीं डाला तो फिर ऐसी कंडीशन में फार्म बंद ही होते हैं शुरुआत में समस्याएं आपको क्या क्या आई थी इसमें शुरुआत में बीमारी जब फर्स्ट टाइम किया था तो बीमारी भी आ गई थी कुछ हमारी कमी की वजह से मर गए थे क्योंकि पता नहीं था इतना क्या देना है क्या करना है और आपको तो प्रॉपर पता है कि क्या है क्या है प्रॉपर वैक्सीनेशन करते रहते हैं साल में कितने बच्चे देती है एक बकरी एक बकरी साल में एक बार ही बच्चे लेते हैं अपन तो बच्चे की क्या है मोबिलिटी होने की चांस कम रहते हैं देने को तो दो बार भी ले सकते हैं छः महीने पे बकरी भी आती है जी और वो बच्चे ग्रोथ नहीं करते कुछ ना कुछ फिर वो वीक रह जाते हैं तो साल में आप एक ही लेते हैं जी अगर कोई बकरी पालन शुरू करना चाहता है तो शुरुआत कितनी बकरियों से कर, कितना उसको खर्चा आएगा जी मेरी एडवाइस ये है कि अगर कोई बकरी पालन करना चाहे तो बकरी ही पाल ले बकरों पे ना जाए बकरी स्टार्ट करे तो दस बकरियों से कर ले और एक दिन में एक बकरी कितना खा लेती है कितने का खा लेती है देखो एक बकरी एक दिन में करीब चालीस से पचास रुपए के बीच में खर्चा आता है और कितना खा लेती है सर पाँच ग्राम के लगभग दाना खा जाती है जी और हरा चारा तो देख लो आप ज्यादा नहीं खाती वो तो आ, बकरा या बकरी किस रेट का बिकता है देखो बकरे की रेट तो फिक्स रखते हैं हम्म बकरे की रेट जैसे पहले फिक्स कर देते हैं साढ़े चार सौ थी लास्ट ईयर अब की बार हम, हम क्या करेंगे कि अप्रैल मई तक रेट फिक्स कर देंगे भाई इस रेट में बेचना है अपने को उस रेट में ही हम बेचते हैं जैसे क्या होता है कि मंडियों में भाव ऊपर नीचे होते हैं ना वो सीन सिस्टम यह नहीं है हम जो एक बार फिक्स कर दिया मंडी ऊपर जाए चाहे नीचे उसी रेट में हम बेचते हैं आपकी नजर में सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है सबसे अच्छी तो देखो डिमांड तो जो है उसको ज़्यादा ज़्यादा लोग पसंद करते हैं जी। वो कॉस्टली भी होती होती है है जी। पर लोकल पे, लोकल पे सबसे बढ़िया क्योंकि क्लाइमेट वगैरह सूट हो जाता उनको जी अगर कोई बकरी पालन शुरू करना चाहता है हाँ तो आप कुछ ऐसे टिप्स दीजिए उसको ताकि उसको नुकसान ना हो मतलब कुछ पॉइंट्स आप बताइए जरूर बकरी पालन को पता होना चाहिए देखो पॉइंट्स तो यही है प्रॉपर उनको वैक्सीनेशन करें और खाने को भी ज्यादा ना डाले कोई ज्यादा खिला के भी मार देते हैं और जैसे सर आप कह रहे हैं आपने कहा कि बच्चों से शुरुआत करे शुरुआत करें करें या बकरियों बकरियों से वो वो थोड़ा थोड़ा बताइए में किस तरह का बनाए देखो मैं बताऊँ आपको बकरों और बकरियों की बकरियों में ये सीन होता है कि उसमें मार्केटिंग का कोई इश्यू नहीं है बकरी बेहेगी दो बच्चे भी लाई एक साल में तो पांच हजार का मिनिमम मान के चलो आप बिकेगा तो दस हजार के बच्चे बिकेंगे उसके वो तो सेल हो जाते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे लेने वाले लोग तो बहुत आते हैं अगर दस बकरियों की शुरुआत करता है सर जी कितना खर्चा आएगा और मुनाफा कितना लेगा देखो दस बकरियों का अपन बहने वाली बकरियाँ ले तो कम से कम बीस हजार रुपये की बकरी आएगी दो लाख रुपए की दो बकरी हो गई और उनके लिए टेंट सेट के लिए करीब पचास साठ -हाँ हजार रुपये टेंट सेट लगे ढाई तीन लाख के अंदर स्टार्टिंग होगा सर ये एरिया क्या आपके फार्म का ये करीब एक बीघा में है एक बीघा में कितना खर्चा आया था आपको इसको खर्चा टेंट सेट वगैरह सब कुछ लगाने में करीब छः लाख रुपए लगे थे और, पर्चे, कितने? जी. अलग थी। अलग था जी, और ये सब जी, था जी. तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया सर वन टाइम इन्वेस्टमेंट और जो डेली का इन्वेस्टमेंट है वो क्या है सर इसमें डेली का तो जैसे दाना देते हैं तो वो डेली का हो गया ना हम्म कुछ लोग मैंने देखा सर बकरी पालन करते हैं वो बाहर चराते हैं उसको चराई पर लेके जाते हैं आपका सिस्टम अलग है चराते नहीं हो अब फार्म पर इसको आपने रखा हुआ है चराने पे ऐसा है कि वेट फिर ग्रोथ नहीं करता ना चराने तो लेते हैं पर वेट नहीं बढ़ता फिर फिर ऐसा अपने यहाँ एरिया भी नहीं है कि जैसे अपन चरा इनको चारों तरफ खेत है ऐसी जगह है नहीं तो खुद की जमीन होना या अगर किसी पास अपनी जमीन नहीं है तो रेंट पे जमीन ले सकता है वो हाँ रेंट पे भी हो सकता है लेकिन रेंट ज्यादा दे तो नहीं बचा सकते नहीं आप जी इसमें गवर्नमेंट से कोई मदद मिलती है गवर्नमेंट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया ऐसा गवर्नमेंट सब्सिडी देती है नहीं देती इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे दिया जो सब कुछ किया है खुद के पास से ही किया कभी सर नुकसान हुआ है आपको इस काम में नुकसान अभी लास्ट ईयर हो गया ना बकरे नहीं बिके हाँ 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 ये रहता है समस्या रहती ये है ये मार्केटिंग ये। की और बीमारी में क्या क्या आती है सर बीमारी में ये एफ एन डी की आ जाती है ई टी की आ जाती है जो सीजन वाइज चलती है वो तो बीमारी पर प्रॉपर अपन वैक्सीनेशन करते हैं तो ऐसी दिक्कत आई नहीं फर्स्ट टाइम जरूर आई थी दो हजार सत्रह में उसके बाद वैक्सीनेशन कर रहे हैं धन्यवाद सर जी धन्यवाद